आपकी जीवन रेखा गुरु पर्वत के ऊपर से हम मस्तिष्क रेखा से लिपट कर फिर अलग हो जाती है। आप कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, तब निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है आपकी काफ़ी लिपटी हुई, जीवन रेखा और आयु रेखा काफ़ी लिपटी हुई है। तो आपका स्वास्थ्य बचपन में अच्छा रहा होगा और आगे भी अच्छा रहेगा। आपके शुक्र पर्वत थोड़ा कम धनुष आकार बना कर घेरे हुए है। आपकी आयु 72 साल है। आपके आयु रेखा देखिए, ये जो आयु रेखा है यहाँ पे मछली का चिन्ह है, और ऐसा आदमी सौभाग्यशाली होता है, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, और उसे 32 से 27 साल के बीच की आयु में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने के योग है। लेकिन आप के दिमागी उलझन के कारण आपके पास पैसे का आगमन रुक जाएगा, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षी लाइन शनि पर्वत के ऊपर हृदय रेखा पर रुक गई है और आपको 55 साल की उम्र में मोटा पैसा आएगा। मस्तिष्क रेखा देख रहे हैं, ये आयु रेखा से चिपक के चल रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा लाइफ लाइन से लिपटते हुए थोड़ी सीधी हाफ, फिर थोड़ी सी बर्काकार होकर चंद्र पर्वत की तरफ झुकी हुई है। ऐसा जातक कल्पनाशील होता है और यही कल्पनाशीलता उसे आगे ले जाती है, अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करता है। इस जातक का दिमाग औसत होता है और काफ़ी संघर्ष के बाद शिक्षा प्राप्त करता है। हृदय रेखा, यह है हृदय रेखा, देखिए हृदय रेखा, आपकी हृदय रेखा थोड़ा वक्र होकर आपके हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर गुरु पर्वत के ऊपर आयु रेखा से मिलकर जा रही है। ऐसा समुद्री साख में थोड़ा अच्छा है, लेकिन आपको झगड़े इत्यादि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तीनों का संगम हो रहा है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा का, ये बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ये देख सकते हैं तीनों का संगम है। गुरु पर्वत सूर्य पर्वत पर एक वलय बन रहा है, गुरु पर्वत उनके वलय बन रहा है जो प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। भाग्य रेखा मणिवंश के बहुत नीचे से निकलकर शनि पर्वत की तरफ जा रही है। आपका जीवन बहुत ही कभी नीरस हो जाता है, पैसे की आगमन रुक जाता है, वैसे आपके उस टाइम धन बहुत कम मिला होगा, लेकिन कुछ ही आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है और आपके मेहनत से सूर्य रेखा आपकी सुर पर एक छोटी सी रेखा है जो बहुत ही धुंधली है। आप जैसा चाहते हैं वैसा सम्मान और सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए सुबह में उगते हुए सूर्य को जल दें चावल और लाल चंदन मिला के। विवाह रेखा एक छोटी सी लाइन है जो आपको बचपन में समय किसी से प्यार या मंगनी टूट गई होगी। दूसरी रेखा है जो द्विमुखी विवाह है, आपकी पत्नी से पटता नहीं होगा, आपकी पत्नी गुस्से स्वभाव की होंगी। बुध पर्वत पर गुड़ा का चिन्ह है, आपका बिजनेस में नुकसान हुआ होगा। मित्र रेखा आपके अधिकारी व्यापारी प्रभावशाली लोग आपके मित्र होंगे, लेकिन व्यापारिक मित्र आपको नहीं चाहते हैं। शुक्र रेखा आपके शुक्र पर्वत पर काफी उठा हुआ, आप अच्छी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, पत्नी और विपरीत लिंग के प्रति लगाव रहेगा।